नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुगलों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करके राज कैसे किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य ने 300 सालों से भी ज्यादा सालों तक राज किया था, परंतु सभी यह सोचते हैं कि आखिर यह मुगल कहां से आए थे और इन्होंने भारत जैसे बड़े देश पर कब्जा कैसे कर लिया था। दोस्तों, हम आपको सब बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नॉलेज ट्रैक पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ लाते रहते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, जहाँ धन दौलत आदि सब कुछ था, जिस वजह से भारत में आक्रमण होते रहे हैं। दोस्तों, जब मध्यकालीन का दौर चल रहा था, तब अरब के कुछ लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। उसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को लूटा था। मोहम्मद बिन कासिम एक नवयुवक अरब सेनापति था। उसे इराक के प्रांतपति अल हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर को दंड देने के लिए भेजा था। दोस्तों, आपको बता दें कि राजा दाहिर सिंह लोधी सिंध के एक हिंदू राजा थे। कासिम को सिंध भेजने का कारण यह था कि समुद्री लुटेरे अल हज्जाज के जहाजों को जिस क्षेत्र में लूट रहे थे, वह क्षेत्र राजा दाहिर के राज्य में आता था। हालांकि राजा दाहिर ने इस बात से साफ इनकार किया था कि लुटेरों से उसके राज्य का कोई संबंध नहीं है, लेकिन राजा दाहिर और कासिम के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे और कासिम ने राजा दाहिर के साम्राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। लेकिन कासिम को मालूम था कि इनसे ऐसे जीतना मुश्किल है, इसलिए कासिम ने इनके एक सिपहसालार को दाहिर को मारने के बाद उसे गद्दी पर बैठाने का ख्वाब दिखाया, जिससे उस सिपहसालार ने राजा दाहिर सिंह लोधी के साथ गद्दारी की। इस कारण इनको हार का मुंह देखना पड़ा और इस तरह यहाँ कासिम ने अपना साम्राज्य कायम कर लिया। उसके बाद और भी कई क्रूर शासक यहाँ आए, जैसे कि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तुगलक वंशज और अंत में लोदी वंशज आए। इस वंश के संस्थापक का नाम बहलोल लोदी था। इस वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। इसने भारत में काफी उधम मचा के रखा था। तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। भारत में आकर बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। राणा सांगा का विचार था कि बाबर लूट मार करके वापस चला जाएगा और लोदी शासन हटकर दिल्ली में मुझे हिंदू राज्य का सुयोग प्राप्त हो जाएगा। किंतु जब राणा सांगा ने देखा कि बाबर अब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का आयोजन कर रहा है, तब वह उससे युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। राणा सांगा वीर और कुशल सेनानी थे। वह अनेक युद्ध कर चुके थे और अधिकांश युद्धों में उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। उधर बाबर ने भी समझ लिया था कि राणा सांगा के रहते हुए भारत में मुगल राज्य की स्थापना करना संभव नहीं है। फिर उसने भी अपनी सेना के साथ राणा से युद्ध करने का निश्चय किया। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था और इस तरह पूरे भारत में मुगल राज्य कायम कर दिया था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।